आज शहर के झांसी रानी चौक में हिंगनघाट पुलिस तहसील कार्यालय आरोग्य विभाग अग्निशामक विभाग द्वारा उप विभागीय पुलिस अधिकारी दिनेश कदम के नेतृत्व में दंगों पर काबू योजना का प्रत्याशिक सुबह 10 बजे के दरमियान किया गया। आने वाले रमजान ईद और पूरे महाराष्ट्र में जो राजनीतिक परिस्थिति निर्माण हुई है इसे ध्यान में लेते हुए शहर में दंगाई स्थिति निर्माण होती है तो किस प्रकार दंगाकारियों पर नियंत्रण किया जाए उसी का अभ्यास आज शहर में चारों विभाग द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। इस वक्त हिंगनघाट विभाग के समुद्रपुर गिरड बड़नेर अलीपुर उसी प्रकार हिंगनघाट पुलिस स्टेशन के कर्मचारी अधिकारी उपस्थित थे। इस वक्त तहसीलदार सतीश मासाल आरोग्य विभाग के डॉक्टर अग्निशामक वाहन के साथ अग्निशामन दल के कर्मचारी और होमगार्ड पथक की उपस्थिति थी। शहर में दंगों की परिस्थिति निर्माण होती है तो पुलिस प्रशासन महसूल विभाग आरोग्य विभाग अग्निशामक दल किस प्रकार इस पर नियंत्रण लाए इसका प्रत्याशिक आज किया गया। रमजान सन आणि सध्या राज्यामध्ये उद्भवलेली राजकीय परिस्थिती या अनुषंगानं जर तणावात्मक परिस्थिती निर्माण झाली तर मॉबला हँडल कसं करावं त्यासाठी प्रात्यक्षिक म्हणून या हिंगणघाट डिव्हिजनचे SDPO आदरणीय कदम साहेब यांच्या नेतृत्वामध्ये आज झाशीराणी चौक या ठिकाणी दंगा काबू योजनेचं आयोजन करण्यात आलं होतं। या दंगा काबू योजनेमध्ये हिंगणघाट पोलिसांचे 4 अधिकारी आणि 30 जवान त्याचबरोबर समुद्रपूर पोलीस स्टेशन वडनेर पोलीस स्टेशन आणि गिरड पोलिसांचे अधिकारी आणि कर्मचारी यांनी सहभाग घेतला होता। त्याचसोबत तहसीलदार मासाळ साहेब फायर ब्रिगेड सरकारी हॉस्पिटलचे डॉक्टर ॲम्ब्युलन्स या सर्वांनी यामध्ये भाग घेतला होता आणि दंगा काबू योजनेचं या ठिकाणी मी झाशीराणी चौकात प्रात्यक्षिक केलं जेणेकरून भविष्यात अशी काही परिस्थिती निर्माण झाली तर आमच्या सर्व जवानांना त्यामध्ये बोध घेता यावा आणि अशी काही परिस्थिती निर्माण झाली तर तात्काळ त्याचं निवारण आम्हाला करता यावं त्यासाठी प्रात्यक्षिक होतं। धन्यवाद। BCN न्यूज के लिए हिंगनघाट से कॅमेरामॅन योगेश लखोटे के साथ रवी येनौरकर की रिपोर्ट।